तो वो ऑल दो बड़ा पॉपुलर था बहुत लोगों ने देखा उसको तो ऐसा नहीं कि किसी ने देखा नहीं बट यू डोंट सीम वेरी हैप्पी विद देखिए हम ये कह सकते हैं कि टू गेट माय फुट इन द डोर हाँ टू आपको एक एंट्री चाहिए होती है और मुझसे उस वक्त जो आपने कास्टिंग काउच की बात की इफ आई कैन क्विकली ब्रिंग दैट इन नो आई डू बिकॉज़ आई वांट टू नो एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि भाई अगर आपके कोई कांटेक्ट्स नहीं है आपके कोई आपके पास कोई वो नहीं है बिकॉज़ ऐसे तो नहीं होता कि आप जाके और अप्लाई करते हैं और आपको बुला लिया जाता है या होती है। सब कुछ तो कॉन्टेक्ट हो रहा था तो 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 इतना उसको इतने जन्म बीत गए हैं उस बात को <laughs> मैं बिल्कुल मेरी जो यादाश्त इट्स नॉट सर्विंग मी वेल कि आई थिंक 2021 में एक ऑडिशन हुआ था सलाउद्दीन एक जॉइंट सीरीज बन रही है पाकिस्तान के इश्तराक में तो उस सीरीज के ऑडिशन कॉल हुए थे बाकायदा और मैंने उस अप्लाई किया था ड्यू प्रोसेस के थ्रू ठीक है बाई द बुक हर चीज फिर कराची में दे दॉल्ड मी फॉर द फाइनल ऑडिशन तो मैं उड़ के मैं पहुंच गई कराची और कराची में मैंने ऑडिशन दिया वो तुर्की के सारे लोग बैठे हुए थे कास्टिंग पीपल और हमारी उसी सफ में एक ही सफ में महमूद एयास खड़े हो गए वहीं उष्ना शाह थी वहीं आयशा उमर और ये मेरी जिंदगी का पहला पहला मैं देख रही हूँ तो एक्टर्स हैं बड़े लोग हैं

तो a मैंने कल भी एक जगह मैंने किया था कि आपने कॉन्टेक्ट की बात की hmm. जब आप व्हेन यू आर नो बडी ना जब आपके आगे पीछे कोई भी नहीं है तो यकीन करें हमारे पास थैंकफुल के ऊपर बॉलीवुड hmm. well. में तो फुलश उस पेन्सिंग यू कैन अग्री और यू कैन डिस लेकिन फैक्ट यही है कि आप को दरवाजे में आप धक्का देते रहेंगे आपको एंट्री नहीं मिलेगी और अगर आपके पास सिक्योर कॉन्टैक्ट्स हैं अगर आप इफ़ यू आर द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द राइट पर्सन तो आपके लिए अंदर से दरवाजे खुद खोले जाएंगे hmm. ये वो बड़ी सटल uh, सी चीज़ें होती हैं कि आप अपनी उंगली रख के बता नहीं सकते कि यार निशानदेही नहीं कर सकते कि ये है मसला hmm. इस सिस्टम के साथ ये इतना एम्बेडेड है उसके अंदर ये वो हमारे रवैयों में एम्बेडेड है वो आपको किस तरह बिठाते हैं आपको कौन सी कुर्सी पे जगह देते हैं आपको कितना वक्त देते हैं आपसे किन अल्फाज का जो है किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं आपके साथ हर चीज़ के अंदर बहुत ही मायूब है बात मगर ये आया हो जाती है आप जब आप जाके बैठते हैं तो मेरे साथ हुआ है कि जनवरी में दिसंबर में बहुत बिल्कुल पागल हो गई कि काम नहीं मिल रहा है तो मैंने गूगल किया सारे डायरेक्टर्स को जो भी बस गूगल ही मेरा एक आसरा था ठीक है तो एक डायरेक्टर है खिजर उनका नाम है बादशाह बेगम बनाया था जी बिल्कुल मुझे उनकी सीवी मिल गई गूगल पर हाँ। <laughs> रैंडमली उनकी सीवी मिल गई मुझे हाँ। सीवी पे उनका नंबर भी था और मैं इस कैफियत में कि यार मतलब एक बंदे ने अपना नंबर भी डाला हुआ है <laughs> तो मैंने उनको बड़े महजब तरीके से एक प्रॉपर व्हाट्सऐप मैसेज किया कि आई आई एम दिस 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 पर्सन डन और ये मेरे ऑडिशन हैं मैंने दो छोटे छोटे ऑडिशन क्लिप्स बनाए थे अपने वो मैंने उनको भेज दिए उनको वो समझ में आ गए अच्छे लगे उनको और उन्होंने वो हम टीवी को भेज दिया hmm. और मुझे महज चंद के बाद ही हम टीवी की कॉल आ गई कि आप आ जाए तो जब मैं उस दफ्तर में जाके बैठी उन्होंने मुझे बताया कि आपके वकील बन के बैठे हुए इस वक्त हम यहाँ पे इन द सेंस के आप ये ड्रामा करें hmm. क्योंकि अगर कर आप नहीं करती हैं तो आज तो हम वकील बन के बैठे हुए हैं इट्स अ बिग डील कि हम हम टीवी में आपके वकील बन के बैठे हुए आपकी, आपकी बात कर रहे हैं यू यू नो वी आर फॉर रोल मैं बहुत डिलेमा में थी

और इतफाक ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे प्रॉबली मीसनी करने की वजह से रजिया मिला क्योंकि वही शख्स जो मेरे वकील बने थे उस वक्त मीसनी के लिए उन्होंने मुझे कराची हम टी के ऑफिस में एक मीटिंग दिलवाई खातून के साथ अनिला उनका नाम है तो उन्होंने मेरा ऑडिशन मुझसे कहा आपने ऑडिशन मुझे फॉरवर्ड कीजिए मैंने किया दोपहर का चार बज रहा था रात के बारह बजे मुझे उनकी कॉल आती है कि मोहसिन सर टू मीट यू और अगली दोपहर चार बजे मैं बैठी हुई थी टेबल के उस तरफ मोहसिन सर थे इस तरफ शहीरा थी और बाकायदा एक डायरेक्टर चार घंटे पे मोहित एक ड्यूरेशन mm. में मुझे एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं mm. ये एक तजुर्बा ही अपने आप में एक मेरे लिए अजीब सी बात थी कि इतनी मतलब एम आई समबडी हु डिजर्व्स टू हैव द सीट एट द टेबल दैट नरेशन आई सोल्ड सोल्ड क्या मतलब मुझे तो ऑब्वियसली आई वांटेड वर्क तो ये मौजूदा नहीं हुआ है आई वेस्ट्री तो उस पर आते हैं रज़िया की बात करते हैं आप ऑबियसली आप के अंदर जो कीड़ा था एक एक्टिविज्म का और आपका uh, सही को सही बोलने का और माशरे में असलाह करने का उसकी बहुत बड़ी गुंजाइश टेलीविजन पे भी है बिकॉज़ जो ड्रामे बन रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो औरत है वो मज़लूम है उस पर कोई ना कोई ओ रहा है जो मर्द है वो ज़्यादातर पावर प्ले करता है बुरा है टॉक्सिक है और वायलेंट uh, है जो रिलेशनशिप्स हैं वो ओपरेस ओप्रेसिव हैं मतलब है कि बहुत ज़्यादा डूम और ग्लूम है ज़्यादातर जो तस्वीर खींची जाती है वो बहुत ही एक रिग्रेसिव uh, तस्वीर खींची जाती है टेलीविजन पे अमूमन तो उसको ठीक करने की भी बहुत गुंजाइश है जो कि रज़िया ने किया बिकॉज़ दिखाया भी कि हो क्या रहा है लेकिन दिखाया भी कि इससे निकला कैसे जा सकता है अगर एक बंदे की रिजॉल्व हो के मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ और मैं गलत काम नहीं कर रही मेरा हक है तालीम भी मेरा हक है मेरी पसंद की शादी भी मेरा हक़ है और ये जो चीज़ें हो रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस भी ग़लत है या फॉर एग्जांपल मैरिटल रेप भी एक इशू है जो उसमें जो कि गलत है ये सब चीज़ों को बड़े ही डेलिकेट तरीके से दिखाया गया तो कहीं ना कहीं आपके जो एक्टिविज़म का कीड़ा था वो रज़िया में भी मुझे ऐसा लगा कि हो गया वो भी रीअश्योरेंस थी कि यार ठीक है मैं लाइन फ़र्क है मीडियम फ़र्क है लेकिन मकसद वही है क्या ये कभी आपके में क्रॉस हुआ कि नहीं देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ रजिया ने बिगाड़ दिया लकी मतलब के दौर से मुझे जानते हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो इसने तो यही करना था हुँ. अगर इसने एक्टिंग में भी आई है ना तो इसने देखो एक मैसेजिंग कर रही है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे वो स्क्रिप्ट मिल गई मूविंग फॉरवर्ड डूमो ग्लूम ही है मतलब ऑब्वियसली 95 परसेंट अगर मैं बहुत ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ तो 95 फाइव परसेंट काम इस तरह का हो रहा है कि वो इनोवेटिव भी नहीं है और वो यूजल गिल्टी प्लेजर्स हैं हमारे और वो इस नोत का भी नहीं है कि उसके अंदर कोई सोशल मैसेजिंग हो